प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में मैंने आपको व्हाट्सएप के ज़रिए स्वर व्यंजन और उसके साथ साथ बारह खड़ी इसको आपको मैंने भेजा था। तो आज हम बच्चों स्वरों की मात्राएं इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम जानेंगे बच्चों कि स्वर कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लिखेंगे स्वर। तो देखिए बच्चों, यह थे हिंदी में स्वर अ आ ई ई उ ऊ रु ए ऐ ओ औ अम। और यह जो अक्षर या वर्ण आप देख रहे हैं बच्चों, इसे कहते हैं हम चंद्रबिंदु। जो ऊपर दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं हम चंद्रबिंदु। तो ऐसे स्वर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ ऐसे स्वर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, आंख, जब हम लिखते हैं शब्द आंख, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर जो मात्रा होती है वह है चंद्रबिंदु की मात्रा। तो यह है आंख की मात्रा। तो आंख, जैसे कि लिखिए बच्चों चांद, चांद, तो हम इस प्रकार लिखते हैं। तो देखिए अ आ ई ई ऊ ऊ रु ए ऐ ओ औ अम आ और आहा। तो यह हुए बच्चों स्वर। तो चलिए हम इनके मात्राएं जानेंगे, कौन कौन सी मात्राएं होती हैं इनकी। तो देखिए पहले तो अ की कोई मात्रा नहीं होती बच्चों, अ का कोई चिन्ह नहीं होता। तो इसके बाद आता है बच्चों आ। आ की मात्रा अंग्रेजी के टी की तरह दिखती है या होती है। तो इसके बाद आता है बच्चों ई की मात्रा। ई की मात्रा इस प्रकार होती है, और दीर्घ ई की मात्रा जो होती है, दीर्घ स्वर, तो देखिए तो इस प्रकार होती है, यानी इसके विलोम। तो देखिए इसके बाद आता है ऊ की मात्रा। इसके बाद आता है ऊ की मात्रा। इसके बाद रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, तो कन्नड़ में ए ए आई होता है, लेकिन हिंदी में जो है बच्चों ए के बाद आई ही आता है। तो इसके बाद आता है ओ की मात्रा, औ की मात्रा, इसके पश्चात अम की मात्रा और आहा की मात्रा, या पहले उससे पहले आ की मात्रा यानी चंद्रबिंदु। इसके बाद आता है बच्चों आहा की मात्रा। तो यह थे हिंदी स्वर की मात्राएं जिनको हमने आज देखा। तो देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, अ की कोई मात्रा नहीं होती, अर्थात हिंदी में अ की कोई मात्रा यानी कोई भी चिन्ह नहीं होता। तो इसके बाद आता है आ की मात्रा इस प्रकार अंग्रेजी के टी के बराबर होती है। ई की मात्रा इस प्रकार होती है, ई की दीर्घ ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रू या री कहते हैं हम, रू की मात्रा, ए आई, इसके पश्चात ओ औ अम आ और आहा। तो यह थे बच्चों स्वरों की मात्राएं। तो इनके जरिए हम, इनके द्वारा हम कई सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे कि देखिए अ से, यानी अ की मात्रा नहीं होती, इसलिए शब्द कमल, कमल में देखिए कमल, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कमल जब शब्द हम लिखते हैं तो इनमें कोई भी मात्रा नहीं, शब्द में कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसीलिए कमल
बिना मात्रा वाला शब्द कहलाता है। तो ये इसी प्रकार आम, आ से देखिए आम, आ की मात्रा, या काम, क प्लस आ की मात्रा प्लस म, क्या हुआ बच्चों काम। दाम यानी रेट जो कहते हैं दाम, इस प्रकार। तो इसी प्रकार ई की मात्रा, ई की मात्रा में देख सकते हैं हम किसान, किताब, दीर्घ ई की मात्रा चील, चीता, इस प्रकार। ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा से कई सारे शब्द बनते हैं, तो लुहार, तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द बनते हैं बच्चों। तो आपको चाहिए कि आप ध्यान से इस प्रकार के शब्द लिखिए, यानी एक एक मात्रा से एक एक शब्द आपको लिखकर मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेजना है। अगली कक्षा में हम इस मात्रा से बनने वाले शब्दों को हम जानेंगे। तो आज के लिए आपके लिए होमवर्क किया है बच्चों, आपके लिए होमवर्क किया है, इसको आप दो बार लिखकर इसे मुझे आप सेंड कीजिए बच्चों। तो आज के लिए केवल इतना काफ़ी है, मात्राएं, इन मात्राओं के चिन्हों को आपको याद करना है। तो अभी थोड़े दिनों के बाद ही हम इस आपके जो किताबों में या पुस्तकों में जो विषय है, जो पाठ है, उसका आरंभ करेंगे, क्योंकि कई छात्रों ने अभी तक किताबें पुस्तकें नहीं खरीदी हैं, इसलिए हम ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, बेसिक जो है आपके लिए चाहिए, उसका हम आज आसे अध्ययन करते चलेंगे बच्चों। यह सभी कक्षाओं के लिए कॉमन है, तो इसका ध्यान रखिए, यह मात्राएं को यह ध्यान रखिए। अगली कक्षा में मैं सविस्तार इन एक एक स्वरों से बनने वाले शब्दों को आपको मैं दिखाऊंगा या पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। घर में रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए, दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। यही कामना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों, घर में रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, धन्यवाद।